बचाओ। अरे गाइस तुम में से कोई तो बचाओ ना, ये दोनों के दोनों मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और पता नहीं ये फ्रैंकिन भाई और ये शीफ कहाँ पे गए। फ्रैंकिन भाई बचाओ। गाइस मुझे लग रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं आप लोग से कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने जितनी भी गलतियाँ करी हो मुझे माफ कर देना, मैं आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आगे मत बढ़ो, मत बढ़ो आगे, बच्चे की जान लोगे क्या। बचाओ गाइस। शिनचैन, शिनचैन भाई तू बेहोश तो नहीं हो गया, क्या बड़बड़ा रहा है। अरे फ्रैंकिन भाई मैंने अभी बहुत भयानक सपना देखा। हाँ शिनचैन तुम इतनी ऊंचाई पे सपना कैसे देख सकते हो। अबे भाई तो चूमू, इतनी हवा में ये सपना देख कैसे सकता है। अरे फ्रैंकिन भाई आपको नहीं पता, जो भी मैं सपना देखता हूँ वो सच हो जाता है। फ्रैंकिन भाई मैंने कहा था ना, अब एक बार जरा पीछे मुड़ के देखना। शिनचैन भाई पीछे क्या है, पीछे क्या मुड़ के देखूं। अरे गाइस यार ये तो वही वाला मॉन्स्टर है, बट ये वाला मॉन्स्टर हमारे पीछे क्या कर रहा है। फ्रैंकिन भाई जल्दी बताओ ना क्या करें। शिनचैन मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है, जल्दी से जंप मार लो। फ्रैंकिन भाई बिना बताए कैसे कूद गए। हाँ मैं ले तो रुक जाओ। अबे चोमू दोनों जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। एंड गाइजर आई डोंट नो कि उस वाले सी मॉन्स्टर के अलावा ये वाला मॉन्स्टर अपने लॉस सैंटोस में कैसे आ गया। एंड गाइस ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। हो जा फ्रैंकिन भाई आराम से लैंड हो जा। एंड गाइस फाइनली अपन लोग यहाँ पे लैंड हो चुके हैं, बट एक सेकेंड गाइस अपने शिनचैन और स्टीव कहाँ पे गए। अबे भागो चोमुओ, गाइस अब बता रहे कि ये दोनों के दोनों मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। फ्रैंकिन भाई बातें मत करो, जल्दी बताओ क्या करें। शिनचैन भाई मुझे क्या पता क्या करना है। एक सेकंड गाइस एक काम करते हैं, हम इस वाले लैब के अंदर जाके छुप जाते हैं और अंदर से फिर हम कुंडी लगा लेंगे। जल्दी आओ शिनचैन और स्टीव। गेट खोलो, जल्दी खोलो। शिनचैन भाई गेट खुल गया। एंड गाइस यार वो मॉन्स्टर भी आ गए। अबे दोनों चोमुओ जल्दी से अंदर आ जाओ। हो जा जल्दी से दोनों गेट बंद हो जा। फ्रैंकिन भाई हम तो बच गए। तो गाइस यार फाइनली यहाँ के गेट बंद हो चुके हैं, बट गाइस आई डोंट नो कि ये वाले गेट उन वाले मॉन्स्टर को कब तक रोक सकते हैं। शिनचैन और स्टीव एक काम करो, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। गाइस हम जल्दी से अपने साइंटिस्ट के पास चलते हैं। चलो जल्दी आओ मेरे पीछे। एंड गाइस फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं साइंटिस्ट के पास। फ्रैंकिन भाई यहाँ पे तो कितने सारे बॉडीगार्ड हैं। शिनचैन तू सही कह रहा है। और एक सेकंड गाइस इन वाले साइंटिस्ट के पास क्या सीन चल रहा है। गाइस ये काम करते हैं, सबसे पहले हम इन वाले साइंटिस्ट से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो गाइस फाइनली अपन लोग आ चुके हैं इन साइंटिस्ट की एक खुफिया जगह पे। एंड गाइस इन साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया है, उसकी हेल्प से कोई भी छोटा बच्चा शार्क के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ताकि कम से कम कोई तो बंदा जाके ओशन में देख के आए कि वो मॉन्स्टर शार्क सुनामी के अंदर क्या प्लानिंग कर रही है। शिनचैन बच्चा मैं अभी भी कह रहा हूँ उसमें जान का खतरा है। भाई आप टेंशन क्यों लेते हो, हमारी पूरी लॉस सैंटोस सुनामी में खतरे में है और मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता। अरे शिनचैन टाइम हो रहा, जल्दी करो वरना इस केमिकल का असर उड़ जाएगा। फ्रैंकिन भाई तो मैं इस वाले पानी के अंदर जा रहा हूँ। तो गाइस यार सबसे पहले अपने शिनचैन को इस वाले पानी के अंदर जाना पड़ेगा। एंड गाइस इसके बाद अपना फ्रैंकिन इस वाले पानी के एकदम एंड में जाएगा, ताकि अपना शिनचैन शार्क में कन्वर्ट हो जाए। फ्रैंकिन भाई मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। शिनचैन ये तो मुझे बोलना चाहिए, तो शार्क बन के ओशन में जा रहे हैं। फ्रैंकिन भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शिनचैन मुझे पता है, अब तो टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से जा। तो गाइस यार अब मैं एक काम करता हूँ, इस अंधेरे पानी के एकदम आखिरी में चलता हूँ, तब जाके मैं शार्क बन जाऊंगा और उसके बाद मैं ओशन में चले जाऊंगा। गाइस यार ये देखो, ये रहा ओशन में जाने का रास्ता। मुझे ये क्या हो रहा है। गाइस यार मुझे लग रहा है कि मैं भी अब शार्क के अंदर कन्वर्ट हो रहा हूँ। गाइस अपन लोग लॉस सैंटोस में भी आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये क्या, मैं शिनचैन से डॉल्फिन में कब कन्वर्ट हो गया, मुझे तो ये भी पता नहीं चला। और गाइजर आप सभी लोग यहाँ पे सब चौकन्ने रहना, क्योंकि यहाँ पे कोने कोने पे वो मॉन्स्टर शार्क खड़ी हुई होगी, तो गाइस हमें उससे बच के रहना पड़ेगा। शिनचैन तुझे हमारी आवाज आ रही है। अरे फ्रैंकिन भाई आप कहाँ से बोल रहे हो। अरे शिनचैन अपन लोग भी तेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं, वो भी ओशन के अंदर ही। फ्रैंकिन भाई पर मुझे आपकी आवाज कैसे आ रही है। शिनचैन बस तू ये समझ ले कि हम सारे देर से बात कर सकते हैं। अरे फ्रैंकिन भाई अब मुझे डर नहीं लग रहा। हाँ तो शिनचैन एक काम कर, तू जल्दी से अपने एवेंजर्स को ढूंढ, हम भी उस तरफ पे अपने एवेंजर्स को ढूंढते हैं। फ्रैंकिन भाई आप टेंशन मत लो।
फ्रैंकलिन भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शिनचैन क्या हुआ? तेरे पास कहीं वो मोशन शार्क तो नहीं आ गई ना? फ्रैंकलिन भाई नहीं, मेरे अंदर से बहुत सारे कलर निकल रहे हैं। अबे शिनचैन क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन भाई मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो। फ्रैंकलिन भाई मैं तो वापिस से शिनचैन बन गया। शिनचैन एक काम कर, वहाँ से जल्दी से भाग। फ्रैंकलिन भाई नहीं भाग सकता। शिनचैन पर क्यों? अरे फ्रैंकलिन भाई मेरे सामने बहुत बड़ा मोशर खड़ा हुआ है। शिनचैन क्या बोल रहा है? उस शार्क मोशर के अलावा पानी में और कोई मोशन नहीं आ सकता। फ्रैंकलिन भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा मोशर खड़ा हुआ है। अरे फ्रैंकलिन भाई मेरे हिसाब से एवेंजर भी यही आस पास होंगे, क्योंकि ये वाला मोशर तो सो रखा है। अरे वाह शिनचैन बहुत ही बढ़िया, एक काम कर, उसके आस पास पक्का एवेंजर्स होंगे, तू एवेंजर्स को ढूंढ। हाँ फ्रैंकलिन भाई आप सही कह रहे हो, ये तो आराम से सो रखा है, मैं अपने एवेंजर्स को ढूंढता हूँ। अरे गाइस यार यहाँ से ये आवाजें कैसी आ रही है? मुझे तो बहुत तेज आवाज आ रही है। अरे गाइस यार यहाँ पे ये क्या चल रहा है? अबे शिनचैन क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन भाई यहाँ पे तो हमारे सारे एवेंजर्स हैं। अरे वाह शिनचैन तूने अपने एवेंजर्स को ढूंढ लिया, एक काम कर तू जहाँ पे है वहीं पे रहियो, हम तेरी लोकेशन ट्रैक करके वहीं पे आ रहे हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई जल्दी आओ, हमारे एवेंजर बहुत बड़ी मुश्किल में है। शिनचैन हम लोग आ गए। फ्रैंकलिन भाई जल्दी देखो, उस मोशन शार्क ने हमारे एवेंजर्स का क्या हाल कर दिया। शिनचैन एक काम कर, जल्दी से उनको आवाज मार के देख, हल्क स्पाइडरमैन तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? फ्रैंकलिन भाई इनको तो हमारी आवाज आई नहीं रही। अरे गाइस यार आई डोंट नो कि अब हमें अपने एवेंजर्स को कैसे बचाना चाहिए, और इनके चारों तरफ पे ये आग कैसे निकल रही है पानी के अंदर वो भी। अरे फ्रैंकलिन भाई अब क्या करें? शिनचैन शिनचैन अपने जल्दी से आगे देख और वहाँ से भाग। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों भागो, क्या हो गया? अरे गाइस ये मोशन तो वापस से मेरे सामने आ गया। फ्रैंकलिन भाई ये तो अभी भी सो रखा है। अरे शिनचैन ये कैसा मोशन है, हमेशा सोता रहता है क्या? अरे फ्रैंकलिन भाई वो सब छोड़ो, यहाँ पे किसी भी वक्त मोशन शार्क आती होगी, हम अपने एवेंजर्स को कैसे बचाएं? अरे फ्रैंकलिन भाई आपको उनकी आवाज आई क्या? अरे शिनचैन तू जल्दी से भाग, यहाँ पे तो शार्क आ गई। अरे फ्रैंकलिन भाई यहाँ पे ये सारी की सारी शार्क कहाँ से आ गई? अरे शिनचैन तू यहाँ पे बातें मत कर, बस जल्दी से भाग। अरे फ्रैंकलिन भाई वो सारी की सारी शार्क मेरे पीछे आ रही है, अब मैं क्या करूं? अरे शिनचैन कैसे भी करके कहीं ना कहीं छुप जा। अरे फ्रैंकलिन भाई बोलना आसान है। फ्रैंकलिन भाई मेरे सामने तो वही वाला मोशन आ गया, और पीछे शार्क, आगे ये वाला मोशन। गाइस यार अब मैं नहीं बचने वाला। तो गाइस यार अगर आपको इस वाली सीरीज का पार्ट 5 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। और हाँ गाइस अगर आपको इस वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।